नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आप सभी के साथ में एक बार फिर से जुड़ा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अगले आज का वीडियो। अपने पढ़ने वाले हैं प्लस वन की फिजिक्स, और पीछे जो क्लासेस थी अपनी उसके अंदर हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और मात्रकों की पत्तियां पढ़ चुके हैं। आज अपने जिस पत्ती की बात करने वाले हैं, लास्ट क्लास में अपने पढ़ रहे थे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ति के बारे में, तो उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, आप लोग जो पढ़ने वाले हो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रकों की पत्ति काम में आती है वो आती है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने एसआई पद्धति बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्ति के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय पत्ति में मात्रक जो है उनमें सात मूल मात्रक बताए गए हैं, सात मूल मात्रक बताए गए हैं और दो पूरक मात्रक बताए गए हैं, और बचे हुए सभी मात्रक जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। यानी इन नौ की बात करने के बाद में जितने भी मात्रक बचेंगे वो सभी के सभी मात्रक जो है वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो इन मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सात मूल मात्रकों को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के सात मूल मात्रकों के नाम लिखिए या उनके प्रतीक लिखिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि दो पूरक मात्रक जो है उनके नाम लिखिए या उनके प्रतीक लिखिए। दूसरा, यहां से जो मात्रक है इन मात्रकों की परिभाषाएं भी है, उन परिभाषाओं से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये जो मात्रक है इनकी परिभाषा लिखो। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं सात मूल मात्रकों की, कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर सात मूल मात्रक जो है कौन कौन से हैं। एक टेबल बनाते हैं। अपने सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं मूल राशियां, और उसके बाद में आ जाएगा मात्रक, और फिर आ जाएगा इसका प्रतीक, प्रतीक या संकेत अक्षर जिससे किसे व्यक्त किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं लंबाई की, सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं लंबाई की। लंबाई का जो मात्रक लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में वो लिया गया है मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोगों ने एमकेएस पद्धति पढ़ी थी उस एमकेएस पद्धति के अंदर भी लंबाई का मात्रक जो है मीटर लिया गया। ऐसा ही पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति जो है उसी का क्या है, एक विस्तृत रूप है। तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर, और प्रतीक जो है वो सिर्फ क्या होता है, एम होता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका प्रतीक सिर्फ एम है, ना कि पूरा नाम मीटर है। मीटर तो मात्रक है और प्रतीक उसका क्या लिखा जाएगा, सिर्फ एम लिखा जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है इसको लिखा जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम में, और इसका जो प्रतीक है वो सिर्फ क्या है, के जी है। इसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के जो मैं आपको बताऊंगा इसी के बाद में, मात्रक पढ़ने के बाद में। तीसरा जो आता है वो आता है समय। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की थी, एक थी मूल राशियां और एक थी व्युत्पन्न राशियां। उसी तरीके से मात्रक भी, ये सभी मूल मात्रक है, फिर पूर्व मात्रक पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। तो समय की अगर बात की जाए तो समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एस। तो ये तीन तो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। उसके बाद में चौथा आ जाता है तार, और पांचवा आ जाता है धारा, और छठा आ जाता है पदार्थ की मात्रा। छठा जो है वो क्या है, पदार्थ की मात्रा, और सातवां जो है वो होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता।
तो ये सात मूल राशि है जिनके साथ मात्रक अपने को करने। अगर ताप की बात की जाए तो ताप को अंतर्राष्ट्रीय पत्ति में नापा जाता है केल्विन में। किसमें नापा जाता है? केल्विन में नापा जाता है। और इसका प्रतीक अपने लिखते हैं के, ठीक है। इसके बाद में धारा की अगर बात की जाए तो धारा को लिखा जाता है एम्पियर से। और इसके लिए यदि प्रतीक की बात की जाए इसका प्रतीक होता है सिर्फ ए, ठीक है। पदार्थ की मात्रा की अगर बात की जाए तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक लिया जाता है मोल, और इसको लिखते हैं एम ओ एल से। उसके बाद में ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो इसका मात्रक अपने लिखते हैं कैंडिला, और इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सी डी से, ठीक है। ये अगर पास में सात मूल मात्रक है। उसके बाद में दो जो है वो पूरक मात्रक भी है। पूरक मात्रक चलो आगे लिख देता हूं पूरक मात्रकों को। तो यहां जो आएंगे वो आएंगे पूरक मात्रक, दो जो है वो अंतरराष्ट्रीय पत्ति में पूरक मात्रक लिए गए। पहला जो है वो है समतल कोण या समतलीय कोण, इसको नापा जाता है रेडियन में, और प्रतीक लिखते हैं आर ए डी, आर ए डी। उसके बाद में दूसरा आता है घन या ठोस कोण, और इसको लिखा जाता है स्टे रेडियन में, और इसका प्रतीक होता है एस आर। तो ये दो पूरक मात्रक है, और इस तरफ जो लिखे हुए हैं वो सात मूल मात्रक है। इसके बाद में जितने भी बचते हैं वो सभी के सभी कौन से आ जाते हैं? वो पूरक मात्रक, वो व्युत्पन्न मात्रक आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका प्रतीक है, ये मात्रक है, और इस तरफ अपने भौतिक राशि है। तो इस प्रकार से अपने इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पत्ति है इसके अंदर मूल मात्रक कौन से है और व्युत्पन्न मात्रक कौन से है। तो इस तरफ सात मूल मात्रक आ जाते हैं, ये दो पूरक मात्रक आ जाते हैं, और फिर अपने व्युत्पन्न मात्रकों की बात कर लेते हैं। अब देखो इस टेबल को, लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं? अपने मीटर लेते हैं। लंबाई का मतलब ये हो गया कि जहां भी अपने को लंबाई लाती है जिन सभी की विमा क्या हो एल की पावर वन हो, उन सभी का मात्रक अपने क्या लेंगे? मीटर लेंगे। जैसे अगर अपने को दूरी नापनी हो तो अपने सिर्फ क्या लेंगे? मीटर लेंगे, ठीक है। लंबाई तो आई जाती है, चौड़ाई का भी अगर मात्रक लेना हो तो अपने क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। ऊंचाई का भी अगर मात्रक लेना हो तो अपने क्या लेंगे? मीटर लेंगे, ठीक है। ये अपने लंबाई की बात हो जाती है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है, और प्रतीक क्या होता है? के जी होता है। हालांकि अपने आगे डिटेल से बात करें फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी अपने इन मात्रकों को लिखा जाता है तो ये मात्रक के प्रतीक है। यहाँ जो अपने लिखा हुआ है ये क्या है? मात्रक के प्रतीक है। प्रतीक होने का मतलब ये हो गया कि ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसकी, अपने किलोग्राम पुलिस को नहीं लिखे उससे छोटा के जी लिख दी, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है इनकी, ये इनके प्रतीक है, ठीक है। जैसे मीटर तो एम का इसका प्रतीक है, सेकंड का प्रतीक क्या है? एस है। जैसे अपने सेकंड को लिखते हैं तो अपने ऐसे लिख देते हैं सेकंड हो गया, ये तो क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। पर ये एस जो है वो क्या है? वो इसका प्रतीक है। ये प्रतीक है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको सेकंड नहीं लिखेंगे सिर्फ एस लिखेंगे, इसको आगे कुमा वगैरह ये पुष्ट वगैरह लगा करके नहीं लिखेंगे सिर्फ केजी लिखेंगे, और ये मोल और ये सीडीजी। ये अपने पास में क्या है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। मोल लिखा वाली मोल, और ये इस तरफ पूरक मात्रक आ जाते हैं रेडियन स्टे रेडियन। उन्हीं कोणों की बात करें जिनको अब तक आप लोग डिग्री के अंदर नापते आ रहे थे, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, परंतु अंतरराष्ट्रीय पत्ती में किसके अंदर नापा जाता है? इसको रेडियन में नापा जाता है। इसी प्रकार ताप की अगर बात करें तो ताप को आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नापते हो, परंतु यहाँ पर अपने किसके अंदर नापेंगे? इसे केल्विन के अंदर नापेंगे। तो ये अपने मात्रकों की बात हो जाती है। फिर अपने कुछ एक बातें और कर लेते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, अब जितने भी बचे हैं वो सब कौन से हैं? व्युत्पन्न मात्रक है, यानी अपने इन मात्रकों की सहायता से क्या कर सकते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं।
अगर यासे बीमा की बात की जाए, बीमा भी आपको बता देता हूं चलो, जैसे मीटर की बीमा की बात की जाए तो मीटर की बीमा आपने जो लिखेंगे वो लिखेंगे एल और इसकी पावर वन। किलोग्राम की अगर बीमा लिखेंगे तो वो लिखेंगे एम इसकी पावर वन। अगर अपने समय की बीमा लिखेंगे तो वो लिखेंगे एस और यहां पर के, यहां पर ए और यहां अपने लिख देंगे मोल और यहां लिख देंगे सी डी। ठीक है, ये क्या हो जाती है, इनकी बीमा आ जाती है। ध्यान आपको ये रखना है कि बीमा को जब भी लिखा जाता है, बीमा को अपने जब भी लिखते हैं तो उसको बड़े जो ब्रैकेट है उनके अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने व्युत्पन्न मात्रकों की कुछ एक बातें कर रहे थे, व्युत्पन्न मात्रकों की। बीमा टॉपिक जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसको अपने डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले अपने बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। तो चलिए अपने व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर अगर बात की जाए तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, यहां से आप लोग देख सकते हो। व्युत्पन्न मात्रक के अंदर एक तो न्यूटन आता है, न्यूटन आप लोगों ने पढ़ा होगा। बल का मात्रक होता है एफ का। देखो ये बल जो है, बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये किसका सूत्र है, बल का सूत्र है, द्रव्यमान गुणा त्वरण बल का सूत्र है। और इसी को अगर क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो द्रव्यमान एम और त्वरण ए होता है। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक अपने क्या लिखते हैं, के जी लिखते हैं। और त्वरण की बात की जाए तो त्वरण को अपने क्या लिखते हैं, त्वरण को लिखते हैं वेग बटा समय। क्या लिखते हैं, वेग बटा समय लिखते हैं। और वेग की अगर बात की जाए तो इसको अपने क्या लिखते हैं, इसको अपने लिखते हैं विस्थापन बटे समय। क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय। साथ के साथ एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, और दूसरा यहां से आपको यह भी पता लग जाएगा कि व्युत्पन्न मात्रक अपने बनाते कैसे। जैसे बल की बात कर रहे थे, बल को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और त्वरण को क्या लिखते हैं, वेग बटा समय, और वेग को क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय। अब देखो विस्थापन जो है वो क्या होता है, विस्थापन दूरी जो है, दूरी के साथ में अगर अपने दिशा को भी जान ले तो उसी को अपने क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, परंतु दूरी में दिशा नहीं होती है, और विस्थापन में क्या होती है, दिशा होती है। तो यहां मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हमें लंबाई की बात करें, दूरी की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो उन सबका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसे इसे लिखेंगे मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर बटा सेकंड। अब यहां देखो फिर से, अपने ये किसका मात्रक आ गया, वेग का आ गया, और साथ में क्या है, समय। तो त्वरण का जब अपने मात्रक लिखेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड की स्क्वायर। और अब इन सबको यदि अपने साथ लिख दें तो यहां से अगर अपनी बात करें तो द्रव्यमान को किसमें लिख रहे थे, किलोग्राम में लिख रहे थे। तो बल का जो मात्रक है वो क्या बनेगा, वो बनेगा किलोग्राम, किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। इसी को यदि प्रतीक के रूप में लिखें तो ये बनेगा केजी मीटर और बटे सेकंड स्क्वायर, जिसे अपने लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ऊपर लेकर के जाए इसे, एस को यदि ऊपर लेकर के जाए तो एस की पावर माइनस टू भी अपने लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने किसका मात्रक बना दिया, बल का मात्रक बना दिया। और बल के मात्रक को सीधा सीधा अपने क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यानी कि न्यूटन के समान में बल के मात्रक को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। यहां आप लोग देख सकते हो कि ये जो बल का व्युत्पन्न मात्रक है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, मूल मात्रकों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये केजी, ये मीटर और ये सेकंड स्क्वायर। केजी देखो किस प्रकार का मात्रक है, मूल मात्रक है। मीटर किस प्रकार का मात्रक है, और सेकंड किस प्रकार का मात्रक है, मूल मात्रक है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक जो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, मूल मात्रकों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसी प्रकार अपने बहुत सारे मात्रकों की बात और कर लेंगे जब अपने बीमा जो टॉपिक से पढ़ेंगे। ठीक है।
तो जब अपने विवाह करेंगे एक बार फिर से इन सभी की बात करेंगे। तो ये किस प्रकार का मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो ये आपके टॉपिक था अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं विशेषताओं की कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसके अंदर मात्रक जो लिखते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक लिखते हैं अपने उसी की बात करने वाले हैं। और किसके बारे में बात करने वाले हैं, इन मात्रकों की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसा ही पद्धति में मात्रकों की विशेषताएं, देखो ऐसा ही पद्धति के अंदर अपने जब भी मात्रक लिखते हैं तो अपने किसी अन्य पत्ती की जरूरत जो अपने को नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एमकेएस पत्ती, सीजीएस पत्ती, एफपीएस पत्ती, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ तीन प्रकार के मात्रक जो इसमें काम में लिए गए, एम के और एस। अगर कोई चौथी भौतिक राशि आ जाती है तो अपने यहां से नहीं बता सकते कि उसका मात्रक और प्रतीक क्या होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन है, एम के और एस। परंतु ऐसा ही पत्ते में ऐसा नहीं है, इसके अंदर अपने जितने मर्जी भौतिक राशियां ले ले उनके मात्रक जो अपने लिख सकते हैं। यानी हमारे पास में इसमें क्या होता है, मूल मात्रक है प्लस पूरक मात्रक है, और इनसे अपने क्या कर सकते हैं, जिनके मात्रक नहीं जानते उनके मात्रकों को अपने इन मूल मात्रकों की सहायता से क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक राशि के लिए इसके अंदर अपने को क्या मिल जाता है, अलग से मात्रक मिल जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक राशि के लिए अपने क्या है, अलग से इसमें मात्रक मिल जाता है। दूसरा, और यहां से आप लोग देख सकते हो कि इससे अपने क्या कर सकते हैं, मात्रक जो है वो बना सकते हैं। तो ये अपने कुछ एक क्या है, ऐसा ही पत्ती की विशेषता है। दूसरा, इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जो रूल है, यानी अपने ऐसा ही पत्ती के अंदर यदि किसी का मात्रक लिखना हो तो अपनी किन किन बातों की ध्यान रखते हैं। तो एक तो अपने जब भी ऐसा ही पत्ती के मात्रक लिखे जाते हैं तो मात्रकों को हमेशा क्या करते हैं, इंग्लिश के किसी लेटर से लिखते हैं। जैसे मीटर को एम से लिखा था, स्नेह को सेकंड से लिखा था, ताप को केल्विन से लिखा था। तो जो इंग्लिश के अल्फाबेट है उन्हीं से अपने क्या करते हैं, इन मात्रकों को लिखते हैं। दूसरा, जब भी अपने मात्रक लिखते हैं तो ये जो लेटर है ये स्मॉल लेटर जो अपने काम में लेते हैं, ये जो भी लेटर अपने काम में लेते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल एम, स्मॉल के और स्मॉल जी। ठीक है, दूसरा, इनको लिखते समय थोड़ा सा अपने क्या कर देते हैं, तिरछा लिख देते हैं। जब भी अपने इनको लिखते हैं थोड़ा सा क्या कर देते हैं, तिरछा लिख देते हैं। दूसरा, जिन मात्रकों का प्रतीक दो अक्षरों का होता है, जैसे याद देख सकते हो केजी अपने लिखा तो इसके मात्रक में दो अक्षर आ रहे हैं, एक तो के आ रहा है और एक जी आ रहा है। तो इनको लिखते समय अपने क्या करते हैं कि इनको लिखते समय इनके बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है, इतना भी नहीं छोड़ते कि ये दूर दूर लगे और इतना कम भी नहीं छोड़ते जिससे ये एक साथ लिखे। तो इनको क्या किया जाता है, दोनों अक्षरों से लिखा जाता है और हल्का सा क्या करते हैं, बीच में स्पेस छोड़ देते हैं इनके। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, ऐसे मात्रक भी लिख सकते हैं जिनमें दो अक्षर आते हैं। यदि ए लिखते तो ये कलील के जैसा हो जाता है, इसलिए इसमें क्या कर दिया, के जी लिख दिया। ठीक है, तो स्मॉल लेटर से लिखा है। दूसरा, यदि दो अक्षरों का बना हुआ है तो अपने क्या कर दिया, थोड़ी इसके बीच में जगह छोड़ी। दूसरा, ऐसा पत्ती के अंदर जो अपने सदिश राशियां लिखते हैं, सदिश राशियां लिखते हैं जैसे, तो उनके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, जैसे एफ लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। परंतु बुक में जब भी लिखा जाता है तो सदिश राशियों में लिखते समय क्या कर दिया जाता है, उनको थोड़ा डायरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और सीधा टाइप कर दिया जाता है, एक तो उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है और एक तिरछी की वजह उनको क्या किया जाता है, बिल्कुल सीधा टाइप किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, इसमें सदिश राशियों को भी दर्शा सकते हैं। दूसरा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब भी अपने इसमें मात्रक लिखते हैं, जैसे सेकंड का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था, एस जो वो सिर्फ क्या है, एक प्रतीक है, मैगी एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे अपने ये लिख देते हैं। तो अगर प्रतीक लिख रहे हैं तो अपने इसे ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, प्रतीक इसका क्या है, ऐसा। मात्रक लिखते समय जैसे थोड़ी देर पहले अपने लिखा था सेकंड की स्क्वायर लिखी थी, तो अपने ऐसा जो इसमें लिखा जाता है। ठीक है,
हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि विशेषताएं क्या होती है, रूल्स क्या होती है, पर फिर भी यदि यहां से आप जब भी आगे पढ़ोगे तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, मात्रा लिखना पड़ेगा और विमा लिखनी पड़ेगी। तो वो लिखते समय आपको उनके रूल जो है वो जरूर पता होना चाहिए कि मात्रक जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये प्रतीक है, जैसे एस एम ये सब क्या इनके प्रतीक है। दूसरा, अक्षर के लास्ट में अपने फुल स्टॉप नहीं लगाते, जैसे ये लगा दिया तो ऐसा इसमें नहीं किया जाता, एन के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। ठीक है, कुछ बातें और करेंगे भी, तो इन मात्रों को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, मात्रक के जो प्रतीक है उनको क्या करते हैं अपने एक वचन में लिखते हैं, जैसे मीटर एक वचन में लिखा जाएगा इनको, जैसे हमने क्या लिख दिया, मीटर लिख दिया, केजी लिख दिया, अपने ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे मीटर्स केजीस, ये क्या होगा गलत होगा। जैसे सेकंड है तो हमें एस लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे कि सेकंड्स, ये क्या माना जाता है गलत माना जाता है। तो मात्रक के जो अपने प्रतीक लिखते हैं ये किस तरीके से लिखते हैं, एक वचन के रूप में लिखते हैं। दूसरा, इनके साथ में अपने फुल स्टॉप नहीं लगाते, एक लास्ट में अपने पूर्ण विराम भी नहीं लगाते। ठीक है, एक अपने जब सॉलिड्स लगाते हैं इस प्रकार का निशान लगाते हैं वो अपने सिर्फ एक प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही निशान बीच में लगाते हैं, अपने दो तीन बार ऐसा नहीं लगाते। जैसे थोड़ी देर पहले अपने मात्रक लिखा था, लास्ट में अपने क्या किया था सेकंड स्क्वायर लिखा था, इस प्रकार का निशान लगा करके उसे सिर्फ एक बार काम में लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी भी भौतिक राशि का मात्रक कुछ इस प्रकार से है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या माना जाता है गलत माना जाता है। ये जो अपने सॉलिड्स लगा रहे हैं ये सिर्फ एक बार ही काम में लिया जाता है, एक से ज्यादा बार अपने इसके अंदर काम में नहीं लेते। इसे लगा दिया, बस एक बार लगाएंगे, ये जो राशि आपको पता है ये ऊपर की ओर चली जाती है। तो जब भी इसे लिखते हैं तो सिर्फ क्या किया जाता है, एक बार इसे लगाया जाता है। तो आज के वीडियो में अपने ऐसा ही प्रतीक मात्रकों के बारे में बात की, अपने सात मूल मात्रकों को देखा, दो अपने पूरक मात्रकों को देखा और कुछ एक विपुल मात्रकों की बात की। कल का जो अपने वीडियो देखेंगे उसके अंदर अपने विमाओं की बात करेंगे और सभी जो मात्रक है उनको व्युत्पन्न करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।